हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो नॉन टीचिंग पोजीशन से संबंधित हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए हैं, कुछ पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सहित विभिन्न पद हैं। इन्हीं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं। और इस टाइम कंसेप्ट हो गया है, लाइब्रेरी असिस्टेंट पद को क्या बोल रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइब्रेरियन सूचना का सोर्स होता है और सूचना प्रोवाइड करता है। यह जो वैकेंसी है एक अच्छी वैकेंसी है और मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, जिससे कि पूरी डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। विदाउट वेबसाइट पे आए हुए यह वीडियो सेपरेट नहीं बन सकता, यानी सेपरेट बन सकता है, कंबाइन नहीं बन सकता, क्योंकि एक एक पद के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर और यहाँ से बताऊँगा कि कौन सा पद रेगुलर बेसिस पे है, कौन सा पद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या है और कैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे जॉब्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे लास्ट डेट और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। क्योंकि पिछले वीडियो में अप्लाई ऑनलाइन में, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, फिल करना या ऑनलाइन फिल करना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर। तो सबसे पहले बात करें कि परचेस ऑफिसर के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यदि क्या कार्य करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे और डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के लिए एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन शुल्क के लिए एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 28 अक्टूबर 2024 और यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इस पद से रिलेटेड। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, सेम प्रोसेस, इन जॉब्स डिस्क्रिप्शन के लिए इस पर क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस पर क्लिक करना है। अंतिम तिथि सेम है 28 अक्टूबर सभी पद के लिए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सेक्शन ऑफिसर के लिए जो पद हैं यह भी पद हैं रेगुलर बेसिस, यानी सरकारी नौकरी के लिए हैं। डिटेल जानकारी क्या कार्य करना है इसके बारे में यहाँ पे दिया है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है। अंतिम तिथि तो सब सारे पद के बताई दिया हूँ, अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस तरह से जूनियर सुपरिटेंडेंट CS में जो पद हैं उसके लिए सेम विवरण यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, अंतिम तिथि है, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक मिल जाएगा। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सर्वर इंजीनियर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसमें यह मेंशन नहीं है कि यह पद सरकारी नौकरी के लिए है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, क्योंकि इसका टाइटल थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए। तो डिटेल जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे तो डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कार्य क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डिटेल जानकारी दिया गया है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सोशल मीडिया के लिए जो पद हैं यह पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, यानी संविदा के आधार पर, और एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है और अप्लाई यहाँ से करना है, बाकी जॉब प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिविल बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इंजीनियर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसके लिए जो है क्या कार्य करना है यहाँ से डिटेल मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है, अप्लाई के लिए इस पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सिविल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए भी संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं और नौकरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके अलावा सिविल सुपरवाइजर के लिए भी संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं, डिटेल जानकारी जॉब प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो अगला पद है MEP इंजीनियर के लिए हैं और इसके लिए जो हैं जॉब्स डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सेफ्टी इंजीनियर के लिए भी जो पद हैं संविदा के आधार पे, सॉरी
हम बात कर रहे थे जो पद हैं सेफ्टी इंजीनियर के लिए संविदा के आधार पे हैं। जॉब्स प्रोफाइल आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सिविल इंजीनियर के लिए भी संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं। जॉब्स प्रोफाइल यहाँ पर मिलेगा, यानी आपको कार्य क्या करना है यहाँ पर मिलेगी एडवर्टाइजमेंट और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। इसके बाद लास्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पर दिया है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो यह पद है LIA के लिए। और जॉब्स डिस्क्रिप्शन यानी जॉब प्रोफाइल यहाँ पे मिलेगा, आपको क्या क्या कार्य करना है यहाँ पे मिलेगा एडवर्टाइजमेंट और यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और क्या कोर्सेस हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्या है इस पद से रिलेटेड। तो देखिए पोजीशन की बात करें तो एक पद है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए और यह जो पद हैं टेम्प्रोरी बेसिस पे हैं जिसको संविदा के आधार पे कहते हैं। क्वालिफिकेशन में डिग्री इन आर्ट या साइंस या कॉमर्स में और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रेगुलर मोड में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन। यदि डिस्टेंस से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। PGDCA होना चाहिए और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। एज लिमिट है 35 साल। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी है। इस तरह से अब दूसरा पद हमारा है सिविल इंजीनियर के लिए, इसकी हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल जानकारी आपको बता देता हूँ। सिविल इंजीनियर का जो पद हैं यह भी पद हैं संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगा हुआ और कम से कम 5 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस। यदि डिप्लोमा आपके पास है, यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है ऊपर वाला और डिप्लोमा आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग में तो 7 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। इस तरह से आप पूरे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब सेफ्टी इंजीनियर में सेम एज लिमिट आपको मिलेगा और सेफ्टी इंजीनियर में सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। MEP इंजीनियरिंग में सेम आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और वो पूरा होना चाहिए एक्सपीरियंस। और सिविल सुपरवाइजर में भी सेम है, सिविल क्वालिटी में भी, सिविल बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी सेम विषय में सेम क्वालिफिकेशन मांगा होगा। अब जूनियर सुपरिटेंडेंट का एक मैं देख देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो जूनियर JTS यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यह जो पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मार्केटिंग या कम्युनिकेशन या डिजिटल मीडिया या संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट है 35 साल। तो यह एक एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके दिखा दिया हूँ, इसके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। यदि लग भी रहा होगा तो ऊपर आपको सबसे अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको आ जाएगा। इस तरह से परचेस ऑफिसर का जो पद है या जो रेगुलर बेसिस पे है इसमें से एक मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो यह पद है सरकारी नौकरी के लिए, सैलरी है 56,100 रुपये पर मंथ, बेसिक पे है, उसके बाद HRA और DA इंक्लूड होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन यानी PG डिप्लोमा भी आए रेपुटेटेड संस्था से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पद के लिए 10 से 15 साल का संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस मांग रहा है और एज लिमिट है 50 साल। इस तरह से जो भी रेगुलर वैकेंसी है ना सब में लगभग यही रेशियो चल रहा होगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है 44,900 रुपये और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या रेपुटेटेड संस्था से, एज लिमिट है 40 साल। इस तरह से जो और एक पद हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे तो सैलरी सेम है जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं, यानी 44,900 रुपये एंट्री पे हैं और उसके बाद HRA आपको मिलेगा। टोटल आपको आप लगाएंगे ईयरली तो 11,90,000 रुपये यानी 11.09 लाख रुपये आप कमाएंगे एक साल में। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो मास्टर डिग्री मांगा हुआ है और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसको MS ऑफिस का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एज लिमिट है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली सभी पद के बारे में मैं डिटेल जानकारी बता दिया हूँ और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28 अक्टूबर 2024 और आज है 18, यानी आपके पास अभी भी टाइम है, आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो यह वैकेंसी आया है राजस्थान में। और कहाँ पे आया है, तो संस्था का नाम है LNMIIT जयपुर में।